कैसी तबीयत है आपकी? सोई नहीं आप? नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, भूख लग रही होगी ना आपको? नहीं, यहीं रहो मेरे पास। आई एम सॉरी, मेरी वजह से, मेरा मतलब है मेरी तबीयत की वजह से हम लोग जा नहीं सके। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, थोड़ा सा खा लें। बस अभी आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुशान। शमीला बात कर रही हूँ, शिदा की भाभी। कैसी तबीयत है अब आपकी? अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं बेहतर हूँ, अब आप कैसी हैं? शुक्र है कि आपकी तबीयत बेहतर हो गई, वरना हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा टेंशन फैल गई थी। आपके घर में टेंशन क्यों? श्रद्धा को जरा सा भी मसला हो जाए ना तो सबकी जान पर बन जाती है। जी वो तो है भाभी, दरअसल हम सब मोहब्बत ही इतनी करते हैं उससे। मोहब्बत तो हम सब बहुत करते हैं रिता से, लेकिन अब हर वक्त सर पे तो नहीं सवार किया जा सकता ना। क्या मतलब? देखिए सुशांत, मुझे गलत ना समझिएगा, पर आपका घर बसाना बहुत मुश्किल है। कहना क्या चाह रही हैं आप? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। सुशांत, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं ना तो रिदा को उसके भाइयों से दूर रखें, वरना भाइयों की मोहब्बत बढ़ती जाएगी और आपकी मोहब्बत कम होती जाएगी। कैसी बात कर रही हैं आप भाभी? बहन भाई का रिश्ता है उनका, खुदा ना खास्ता मैं क्यों मना करूंगा? आप चाहती हैं कि गुनाह कमाऊं मैं? ठीक है सुशांत, मैं क्या कह सकती हूँ, मत रोकें, फिर अपने घर की बर्बादी का तमाशा भी खुद देखिएगा। वैसे सुशांत, आपने शायद नोट नहीं किया, फहाम और हासिम को आप बिल्कुल नापसंद है। सुशांत, ये रिश्ता सिर्फ हातिम की दोस्ती की वजह से हुआ है, वो दोनों भाई भला क्यों बर्दाश्त करेंगे आपको? वो तो यही चाहेंगे ना कि रिदा आपको छोड़ के अपने घर वापस आ जाए। जी भाभी, वो आ गई, बात कर लीजिए। भाभी, भाभी जी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। भाई शमीला, आपने तो अपना काम कर दिया। बात क्यों नहीं की? आप नाश्ता कर लें, फिर बात कर लूंगी। वैसे क्या कह रही थी भाभी? वो कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, बस ये पूछ रही थी। अच्छा, वैसे भाभी हम सबसे बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत अलग अंदाज से बातें करती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फहम भाई, जी जी, अल्लाह का शुक्र है, जशान अब बहुत बेहतर है। जी भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज। फहम भाई का फोन था, आपकी तबीयत का पूछ रहे थे। मुझसे पूछ लेते, कर लेंगे कॉल बैक, इंटरनेशनल कॉल आ रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, रात से परेशान है आपके लिए, सुबह ही तो गए घर वापस। आपने फोन किया होगा ना उन्हें, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी परेशानी देखी थोड़ी ना जाती है उनसे। मैं तो बस ऐसे ही। भाभी ने कुछ कहा है आपसे? क्यों, कुछ कहना था उन्होंने? नहीं। किसका फोन था? अम्मी का। तो उठाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अम्मी और भाभी से साथ ही बात कर लूंगी मैं। आप कुछ खाएं।